नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। सीसीएल एरिया महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल सीसीएल गिरिडीह पहुंचे। तत्पश्चात पुलिस कप्तान अमित रेणु से मुलाकात कर सीसीएल एरिया में चोरी रोकने के लिए पुलिस सुविधा की मांग। प्रतिबंधित मांस के साथ ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़कर जमकर की पिटाई, फिर बेंगाबाद पुलिस को सौंपा। प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराने को लेकर गांवा प्रखंड सभागार में की गई बैठक। और सड़क पर बहाए जा रहे नाली के पानी के विरोध में उतरे व्यवसायी, दो घंटे तक मालडा पेहरा मुख्य मार्ग को किया जाम। और अब खबरें विस्तार से। सीसीएल एरिया महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल पुलिस कप्तान अमित रेणु से मुलाकात कर गिरिडीह सीसीएल एरिया की समस्याओं से अवगत कराए। गिरिडीह सीसीएल एरिया के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचकर पुलिस कप्तान अमित रेणु से मुलाकात किए और सीसीएल एरिया की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। बताया गया कि विगत कई दिनों से सीसीएल एरिया में चोरों का आतंक है, जिसे लेकर महाप्रबंधक ने बनियाडी सीसीएल में पुलिस बल की मांग एवं पुलिस पिकेट जैसी सुविधा की मांग की है, जिससे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। इसके बाद एसडीपीओ कुमार गौरव ने सीसीएल एरिया का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने बैठक के बाद सीसीएल अधिकारियों के साथ एरिया अस्पताल का दौरा किया व अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। आज मैंने अपने एसओपी राजीव साहब और पीओ गिरिडीह कबरीबाग के उनके साथ में एसपी साहब से हमने मुलाकात की और आज के मुलाकात का हमारा मुख्य विषय यह था कि क्षेत्र में जो पूर्ववत चोरियों की जो घटना इलीगल माइनिंग का जो घटनाएं होती हैं और हाल फिलहाल में कुछ स्टोर में हमारे कुछ डीजल का कुछ लुब्रिकेंट का ये सब माइंस से भी चोरी होना शुरू हो गया था, जिससे हमारे उत्पादन पर भी डायरेक्ट इसका असर पड़ रहा था। इसी सिलसिले में इस क्षेत्र की एक कोड़ की तरह जो फैली हुई इलीगल माइनिंग और चोरी की घटना है, उस सिलसिले में मैंने अपने सिक्योरिटी अफसर, अपने स्टाफ अफसर P&A और अपने प्रोजेक्ट अफसर के साथ में SP साहब से मुलाकात की और उसके बाद हमारे ऑफिस में थाना इंचार्ज भी आए और बाद में कुमार गौरव जी DSP साहब भी आए, SDPO साहब, इनसे भी इस पर विस्तृत चर्चा। प्रतिबंधित मांस के साथ दो लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और इसके बाद बेंगाबाद पुलिस को सौंप दिया। बेंगाबाद थाना की बनहत्ती बलगो गांव के एक घर से एक बोरे में भरा प्रतिबंधित मांस को ग्रामीणों ने बरामद किया। बताया जाता है कि अहले सुबह कुछ युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो युवक बोरे में कुछ लाद कर ला रहे थे। जब लोगों को शक हुआ, लोगों द्वारा पूछताछ पर वे दोनों वहां से भाग निकले और बनहत्ती बलगो गांव घुस गए और वहीं उस बोरे को रखकर भागने लगे। लोगों ने बोरे को देखा तो चौंक गए। भागते युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी। SI KC सिंह सदलबल वहां पहुंचकर दोनों युवकों को गिरफ्तार किए। इस घटना को लेकर मॉब लिंचिंग का भी मामला आ सकता था, लेकिन स्थानीय मुखिया संजय यादव, राजेश राय, संजीव बर्णवाल, सुशील यादव, छोटू राय आदि पहुंचकर मानवता का परिचय देते हुए उक्त मामले को शांत कराए। मोटरसाइकिल व प्रतिबंधित मांस के बोरे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मॉर्निंग वॉक में गए थे ITI कॉलेज के तरफ से, सर वो व्यक्ति बोरा लेके आ रहा था, हम लोग को शक हुआ, हम लोग इसका पीछा किए और आके सीधा बेलाटांड गांव में घुस गया मियाँ टोली में। जब हम लोग पूछे उससे कि क्या है इसमें, वो बताने से इनकार करने लगा और डरने लगा। फिर हम लोग जब बोरा उससे खुलवाए और देखे कि इसमें गाय का मांस है और एक आदमी भाग गया, एक आदमी वहीं रहा, उसको पकड़े, उसके बाद प्रशासन को बुलाए, प्रशासन के हाथ में दे दिए दो बाइक और दो बाइक है उसके साथ, एक MAT है और एक CT 100 है। गावा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में MO की अध्यक्षता में डीलर की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया करने पर चर्चा की गई।
गावा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में एमओ प्रदीप राम की अध्यक्षता में 17 पंचायतों के डीलरों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन करने के लिए राशन मुहैया करवाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में राशन कार्ड से वंचित गरीब लोगों को चिन्हित कर भी 10 किलो अनाज देने का निर्देश दिया गया। बैठक में एमओ ने सभी डीलर को सही वजन के साथ राशन वितरण करने का निर्देश भी दिया। बैठक में जितेंद्र बर्णवाल, राजेंद्र चौधरी, धीरज सिंह, जयराम यादव, राधे पंडित, नवलेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज प्रखंड सभागार में सभी 17 पंचायत के 17 डीलर को बुलाकर बैठक किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराना था, साथ ही जितने भी ऑनलाइन आवेदक हैं जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है परंतु रिक्तियों के अभाव में उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उन्हें भी 10 केजी अनाज मुहैया कराया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज सभी पंचायत के 17 डीलर्स के साथ बैठक की गई और अभी हमारे पास जो अनाज मुहैया कराया गया है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत है। उसमें से जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन लॉगिन किया है, अप्लाई किया है, उन्हें 10 किलो चावल और 2 किलो चना उपलब्ध कराना है। साथ ही जो ऑनलाइन कार्डधारी हैं, जो ऑनलाइन जिन्होंने किया है राशन कार्ड के लिए नहीं बन पाया, उसे सिर्फ 10 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा और ये सभी निःशुल्क होंगे। क्षेत्र के मालडा में सेफ्टी टैंक का पानी सड़क पर बहाए जाने से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। शुक्रवार को इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गावा थाना क्षेत्र के मालडा में सेफ्टी टैंक और नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाए जाने के विरोध में स्थानीय ग्रामीण और व्यवसायियों ने मालडा पेहरा मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि सेफ्टी टैंक का पानी सड़क पर बहाए जाने से आवाजाही में परेशानी होती है, पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। मामले को लेकर गावा थाना और बीडीओ को भी सूचित किया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालडा बाजार में जिस प्रकार से नली बह रही है और लोग बाजार में जिस प्रकार से अपने घर से पानी निकाल करके बहा रहे हैं, गंदे पानी को, पैखाना से वाला पानी है, सी अलग शौचालय वाला बाकी उसके साथ खाना वाला पानी है, सारा पानी का रोड बाहर इतनी समस्या खड़ी हो गई, पूरा रोड गमकता है, पूरा बाजार मैंने गंदहीन गंध से एकदम भरा हुआ है। फिर भी प्रशासन देख रेख नहीं कर पा रही है। प्रशासन को हम लोग जाम भी लगाए, जाम लगाने के बाद प्रशासन आकर के देख कर चली गई और बोली आवेदन क्यों नहीं दिए, इसलिए आवेदन पर आवेदन देंगे तभी कार्रवाई होगी, जबकि हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं। पता नहीं कब तक इसका विकास इसका होगा, कब हमारा गांव सुधरेगा, कब हमारा रोड सुधरेगा, ये कहना मुश्किल है। मालडा बाजार में आए दिन नाली की इतनी बड़ी परेशानी हो रही है कि हम लोग एक एक एप्लीकेशन बहुत बार थाना में दिए और उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। इतनी परेशानी से इतनी गंदगी तो लोगों को जीना मुहाल कर दिया है, शायद इसके बाद कुछ हो, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। अभी यहाँ पर मालडा बाजार में आए दिन बहुत कीचड़ रहता है, नली का पानी सब बहा देता है सब लोग, उसके कारण सब लोग जो भी यहाँ पर पहुँचता है सब कीचड़ का मैंने इतना दुर्गंध महक आता है कि उसे लगता है कि मैंने आदमी वोमिटिंग टाइप का कर देगा और इस विषय पर किसी का कहीं कोई ध्यान नहीं है और इस पर आगे मैंने सरकार को तो प्रशासन को थोड़ा सा आके देखना चाहिए परेशानी कहाँ से। इधर सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुँचे गावा पुलिस ने सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा बुझा कर सड़क खाली करवाया और सड़क पर गंदा पानी बहाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। कोरोना महामारी को देखते हुए नगर निगम द्वारा नगर निगम परिसर, टावर चौक, बस स्टैंड रोड को सैनिटाइज किया गया। गिरिडीह नगर निगम द्वारा शुक्रवार की सुबह नगर निगम परिसर, टावर चौक व बस स्टैंड रोड सहित आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। यह कार्य लगातार जारी रहेगा ताकि लोग वायरस से सुरक्षित रह सके। इस कार्य में लखन शर्मा, लखन हरिजन व अन्य निगम कर्मी मौजूद थे।
प्रखंड में लचर विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। तीसरी प्रखंड में विद्युत व्यवस्था से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को तीसरी प्रखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। नारायण यादव ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सुधार नहीं होने पर पार्टी धरना प्रदर्शन के जरिए आंदोलन करेगी। मौके पर विकास यादव, अर्जुन हेम्ब्रम, जमाल मियां आदि लोग मौजूद थे। आज हम अपने जेएमएम कमेटी के माध्यम से सहायक अभियंता बिजली आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं कि बिजली रहने के बावजूद भी ये शिकायत जनता की ओर से थी, इसलिए बिजली रहने के बावजूद भी बिजली हम लोगों को मिल नहीं पाता है, हमारी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है, हमें ये पता है। और एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिए हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर से नियमित रूप से बिजली नहीं रहेगी तो हमने इसको धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और हमने अपनी सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ जो दोषी पदाधिकारी कर्मी हैं उसको हटाई जाए और नहीं तो जनता को भारी कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है कि बिजली रहने के बावजूद भी हम लोगों को बिजली नहीं मिली। एसडीओ साहब क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीओ साहब आश्वासन दिए कि हमने लिखित आपको जवाब सौंपेंगे और कुछ कमी जो है वो बताए, तो हम बोले कि यदि ऊपर से कमी है तो हम उसके लिए कमी के लिए आगे लिखेंगे सरकार से, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह से जनता के साथ धोखा ना करें। कि जिस तरह से तीसरी में बिजली की लचर व्यवस्था है, बिजली आंख मिचौली की तरह आ रही है और जा रही है। जिस तरह से कुछ साल के पहले, 7-8 साल के पहले भी लोग बिजली के लिए तरस रहे थे, अभी देखते हैं कि मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लोग तरस रहे। बिजली की व्यवस्था इतना लचर व्यवस्था खराब है, अगर इस व्यवस्था को अगर सुधार नहीं किया तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी, इस पर जोरदार आंदोलन करेगी और नहीं तो बिजली विभाग के पदाधिकारी तुरंत एक्शन ले और बिजली सुधार करने की कोशिश करें। सदर प्रखंड के बुरदंगा पंचायत में चल रहे मनरेगा योजनाओं का सदर वीडियो ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह सदर बीडीओ गौतम कुमार ने सदर प्रखंड के बरदोंगा पंचायत के विभिन्न गांवों में चल रहे मनरेगा के विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया एवं मनरेगा कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सिंचाई को टीसीवी, मुर्गी शेड, बकरी शेड का बारी बारी से निरीक्षण किया। मौके पर बीडीओ गौतम कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी को लेकर देश भर में लगे लॉकडाउन से सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। दिहाड़ी व विभिन्न कल कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मनरेगा ही सहायक सिद्ध होगी। पंचायतों में ऐसे बेरोजगारों को चिन्हित कर उनका जॉब कार्ड बनाए और काम मुहैया कराए। बीडीओ ने कहा कि यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और रोस्टर के अनुसार विभिन्न पंचायतों में चल रहे योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। लॉकडाउन एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनरेगा के कार्यों में गति देना है। हम लोग बेरदोंगा पंचायत के बेरदोंगा ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ हम लोग मनरेगा से आम बागवानी, सिंचाई कूप, नाला एवं मेड़बंदी, साथ ही मुर्गी शेड, बकरी शेड वगैरह का जांच करने आए हैं। अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी योजना चल रही है। खासकर और अभी किसानों को मदद करने के लिए हम लोग मेड़बंदी कर रहे हैं, टीसीबी निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारे लाभुकों को हम लोग पहले से ही मुर्गी शेड और बकरी शेड दिए हुए हैं, उन सब का जांच कर रहे हैं। और जांच के क्रम में हम लोग पा रहे हैं कि अभी जो आम बागवानी है किसानों के लिए बहुत ही लोकप्रिय योजना है और बहुत सारे किसान हमारे आम बागवानी से आच्छादित हो रहे हैं। और नरेगा से हम लोग अभी जितने भी बाहर से अप्रवासी मजदूर लोग आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इस पंचायत में करीब 300 अप्रवासी मजदूर आए हुए हैं, सभी को नरेगा के तहत मजदूरी देके इनके भरण पोषण का काम किया जा रहा है और इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने बरसाती एवं कोरोना किट उपलब्ध कराने के लिए नगर आयुक्त को आवेदन दिया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों में बरसाती एवं कोरोना किट उपलब्ध कराने के संबंध में दिए आवेदन के संदर्भ में जिला मंत्री लखन हरिजन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में सफाई कर्मियों को बरसाती दिया जाता था, जो इस वर्ष नहीं मिला है। सफाई कर्मी वर्षा में भींग कर सफाई कार्य करते हैं, जिससे उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है।
नगर निगम द्वारा बरसाती एवं कोरोना किट देने का केवल आश्वासन दिया जा रहा है। नगर निगम में हम दे देंगे, हमने सुबह में आए और अपना सफाई कर्मचारी के साथ बैठे और सफाई कर्मी ने हमको सारी बातें सुनाई कि ये बरसात में हमारा मैंने खांसी बुखार बदन दर्द होता है, मेरा ने वर्दी मिल रहा है, निकीट मिल रहा है, इसके लेकर के महामारी भी चल रहा है सर, तो हम लोग कैसे काम करेंगे। इसलिए करके हमने अपना मैंने नगर आयुक्त से आग्रह किए हैं कि हमारा जो हर एक साल जो मिलता है वर्दी वो जल्द से जल्द दिया जाए, जो कि बरसात को देखते हुए और कीट को जल्दी से जल्दी दिया जाए कि पूरा शहर में कोरोना का महामारी चल रहा है। इसलिए करके हमने आज अपना एगो एथी पर लिख करके पत्र लिख करके दे रहे हैं, इस पर आप विचार कीजिए, जल्द से जल्द देने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।